ब्रजभूमि वृंदावन के उभरते कलाकार चैतन्य कन्हाई की एक और नई फिल्म वजन भानुप्रिया जी 5 चैनल पर रिलीज होने जा रही है। अपनी पहली पंजाबी फिल्म हार्डकोर और उसके बाद हिंदी फिल्म रेस थ्री में सफल अभिनय कर चुके इस ब्रज के कलाकार को अपनी इस फिल्म से भी काफी उम्मीद है। बुधवार को छठीकरा मार्ग स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार गोविंद कन्हाई के सुपुत्र चैतन्य कन्हाई ने बताया कि गुरुवार को रिलीज होने वाली फिल्म वजन भानुप्रिया पूरी तरीके से पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है, जो खासकर युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसमें उनका किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके आने के बाद कहानी में टर्निंग प्वाइंट आता है। इस फिल्म की मुख्य हीरोइन उर्वशी रौतेला एवं सह कलाकार गौतम गुलाटी, नताशा सूरी आदि हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर अजय लोहान हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हर दौर में सिनेमा अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम रहा है, जिसके द्वारा उनके जैसे कलाकार एक आम इंसान के सोचने और कल्पना में आने वाले विचारों को पर्दे पर उतारकर नई दिशा प्रदान करना चाहता है। बहुत जल्द वे अपनी इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति हेतु एक प्रोडक्शन हाउस प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा मिलेगी। ये एक पारिवारिक फिल्म है, बहुत ही कॉमेडी लाइट हार्टेड रोमांटिक फिल्म है। आप हमारा मकसद ये था बनाने का कि आप सब अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकें, जिससे कि आजकल ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं जो परिवार के साथ बैठकर देखी जा सकें और जो कि रोमांटिक कॉमेडी हो। तो हमारे डायरेक्टर का बस यही मकसद था कि जब बैठ के देखा जाए तो आप आम जिंदगी में जो भी आपके हो रहा हो सब भूल कर उस कुछ घंटों के लिए आप उसका आनंद उठा सकें। और ये कल रिलीज़ हो रही है Zee5 पर। मैंने एक बहुत ही मुख्य किरदार प्ले किया है, जो कि मेरे आने के बाद में कहानी में ट्विस्ट भी आता है। उर्वशी रौतेला, जो कि हमारे फिल्म की हीरोइन है, वो तीन लोगों से मिलती है, तीन लड़कों से, उनमें से एक मैं भी होता हूँ, पर मैं लास्ट में जब मैं आता हूँ तो उनके सोचने का तरीका और कहानी का प्लॉट पूरा बदल जाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा काम और फिल्म दोनों पसंद आए। और उसके बाद तमाम आरोप लग रहे हैं कि स्ट्रगल करना पड़ा आप लोगों को मूवी में या कहीं भी काम करने के लिए, बड़े डायरेक्टर्स वगैरह पर प्रेशर लोग बनाते हैं कि प्रेशर को या नहीं आ रहे उनको काम, तो क्या ऐसी स्थितियां हैं? ऐसी स्थितियां बिल्कुल हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, भीड़ बहुत है और स्ट्रगल तो देखिए करना पड़ता है। हर एक फिल्म के एक कैरेक्टर के लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को जब नहीं जानते हो तो आपकी आपका ही कला होती है जिसको दिखाकर आप काम पा सकते हो। क्योंकि जब कोई नया आदमी वहाँ जाता है और किसी को जानता नहीं है तो उन्हें ये भी नहीं मालूम होता कि शुरुआत कहाँ से करें। बट एक चीज़ है जो कि आत्मबल और अपने काम पर यकीन, जो कि मुझे लगता है कि यही दो चीज़ें आपको आगे ले जा सकती हैं। और अगर आपके काम में दम होता है तो आपको काम ज़रूर मिलता है, चाहे देर से सही या फिर जल्दी मिले, बट मिलता ज़रूर है। हाँ जी, मुझे 10 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में। मैंने पहले दो फिल्में असिस्ट की थी, जिससे कि मैं सीख सकूं कि फिल्में बनाई कैसे जाती हैं, क्योंकि जब मैं गया था तो मैं किसी को जानता नहीं था। तो मैंने फिल्में असिस्ट की, नुक्कड़ नाटक किए, अलग अलग जगह लोगों के अंदर काम किया, जिससे कि मैं अपने अभिनय को और निखार सकूं। बट जब मैंने पंजाबी फिल्म की, उससे जब ये पंजाबी फिल्म बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड रही थी पंजाब में, उसके बाद में मेरे डायरेक्टर ने मुझे वहाँ से देखकर रेस थ्री में काम दिया था। और फिर अब ये तीसरी फिल्म है, जो कि मेरे डायरेक्टर ने पोस्ट भी किया है दैट ही रियली लाइक्ड माय वर्क एंड ही सी मी वेरी पोटेंशियल, और उन्होंने मुझे अपनी अगली फिल्म में भी साइन किया है। तो आपके आशीर्वाद से अगर रहा तो आप आगे भी मुझे पर्दे पर देखेंगे। कोरोना तो एक बहुत ही आजकल के टाइम का इम्पॉर्टेंट इशू है, अगर उनको हो सकता है तो मुझे लगता है किसी को भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही, उन लोगों के पास सब कुछ एक्सेस है। बट ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आज ध्यान ना दिया गया तो आने वाले कई सालों तक हमें बहुत पीछे छोड़ देगा कोरोना। तो आई थिंक सेफ्टी कम्स फर्स्ट, हम लोगों को सबको अपना अपना ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने भी कहा है आत्मनिर्भर, तो अभी हम आत्मनिर्भर ही रहें और अपने आप पर और अपने परिवार का ध्यान रखें, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।